5.7 का और 5.8 का फ्यूज़र है, R3 कहलाता ही है। देखें इसकी वेब सप्लाई वगैरह कैसे रिपेयर करते हैं या उसको एडजस्ट करते हैं वो देख लें, बताता हूँ मैं आपको। ये ऊपर के टॉप के स्क्रू खोलें सारे, बाद फट जाती है सप्लाई, तो वो बता देता हूँ आपको कैसे होगी। देखें ये वाला जो रोल है वो इस पे जो है वेब सप्लाई ये सही है, मतलब फ्रेश है ये, ठीक है। और जो दूसरी साइड है उस साइड के ऊपर ये सप्लाई चल चुकी है, मतलब ये रोल हो चुकी है उसके ऊपर। अब चाहें तो उसको भी आप दोबारा रिवर्स करके चला सकते हैं, उसको भी दोबारा घुमा के, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा फेडी हो गई है, मतलब ख़त्म सी हो गई जल जल के। अब ये अभी चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। ये जब पूरी ख़त्म हो जाएगी, देखिए इसकी ग्रिप अभी बाकी है, ये पूरी ख़त्म हो जाएगी तो ये भी इसी कंडीशन में यहाँ तक पहुँच जाएगी। और अगर ये पहुँच जाए तो इसको आपने बाहर निकालना है, उसको दोबारा से अपने हाथ से रोल करके दोबारा भी चला सकते हैं। अब बाज़ औक़ात कभी ऐसा हो जाता है कि फट जाती है, सेंटर में से फट जाती है या दूसरी तरफ से फट जाती है, इसको निकाल लें आप, स्क्रू खोलें, ये वाला स्क्रू खोलें, ये पट्टी हटाएं, ये गियर निकालें, ठीक है। और ये ऐसे बाहर आ जाएगी, ये आ गई बाहर, इसको उठा के साइड में कर दें। अब देखें इसमें आप लगाएं ये गियर, ठीक है। अब आप इसको जितना करना चाहें घुमा के, वो घुमा के टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, मतलब इधर रोल करना चाहें, तो ये मैं आपको तरीका समझाता हूँ। अब ये देखें इसको मैं यहाँ से इसको घुमा रहा हूँ, ये इस पे वापस रोल हो रही है, लेकिन ज़रा स्ट्रेट रख के घुमाइएगा ताकि ये बिल्कुल सीधी रोल हो। देखिए वापस इसके ऊपर रोल हो रही है, बल नहीं आया, बस ये ख्याल करिएगा ज़्यादा, थोड़े बहुत तो चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ये रिप्लेस भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी, कोई मसला नहीं है। अगर कभी ख़राब हो जाए, फट जाए, ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए, मार्केट में मिल जाती है आराम से, तो आप ले लें और उसको चेंज कर दें। लेकिन अंदर से भी वो अच्छी खासी सही कंडीशन में है। देखिए मैंने ये रिवर्स कर दिए, इस रोल को वापस उस पर चढ़ा दिया, लेकिन हाथ से, तो ये अब
चल सकती है, जान बहुत है होती है इसके अंदर। दो तीन दफ़ा जब ये रोल हो जाती है तो 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोबारा कर सकते हैं, जब तक इसके अंदर ऑयल है। देखिए ये शाइन कर रहा है, अभी ये शाइन कर रहा है, अब ये शाइन ख़त्म हो जाएगी तो समझ लें ये फट जाएगा, और ख़त्म भी हो जाएगा। कभी कभार खुद ब खुद भी फट जाता है उससे पहले भी। अब जो फट जाता है उसकी कंडीशन बताता हूँ कि आपको कैसी होती है। देखिए ये हाल हो जाएगा उसका, सही है ना, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है वो मैं आपको तरीका समझाता हूँ। अभी इसकी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो गई है। देखिए अब इसको करना ये है आपने कि इसको काटना है यहाँ से, कैंची से, ठीक है। ये काट दिया आपने, और ये जो फालतू लिपटा हुआ है इसको थोड़ा सा ज़ाया कर दें। ये देखिए मैंने ये पहले से चिपका हुआ है, ये इसको तो बल ख़त्म करना है बस, क्योंकि ये ख़राब होता ही बल की वजह से। इतनी पतली हालत में भी बहुत हद तक चलता है ये, मतलब ये अच्छी खासी कॉपीज निकाल देगा आपको। तो ये देखें मैंने इसको यहाँ से काट दिया है। अब आप इसको चाहे तो ऐसे भी रोल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर किसी चीज़ से सॉल्यूशन से किसी चीज़ से चिपका देंगे तो वो थोड़ी सी ग्रिप बना लेगा। मैं यहाँ पे इसको जो है ना एल्फी चला रहा हूँ, वैसे ये इतना काम नहीं करती क्योंकि उसमें ऑयल है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत चिपक के गर्म होके ये चिपक जाएगा। देखिए इसको एक दो बल मैंने रोल कर दिए ना, तो अब ये काम हो जाएगा, अब ये कहीं नहीं जाती, अब ये घूमती रहेगी। देखिए इसमें अभी कितना ऑयल बाकी है, अब ये मैं लगा दूंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगी। देखिए इसको लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको यहाँ से इसमें घुसाएं, ठीक है। या यहाँ से इसको घुसा लें, ये घुस जाएगा और यहाँ से ये बैठ जाएगा। देखिए जगह पे बैठेगा पूरा, सही है, ये बैठ गया। अब आपने क्या करना है इसका,
क्लिप जो है ये लगाने हैं ऊपर, ये इसको टाइट किया मैंने तो। खैर एल्फी लगाई, अगर आप कार्ड के एक आधा बल घुमा भी देंगे ना तो भी काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। वो एक दो बल घुमाने हैं आपने, फिर आओ आगे खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, बहुत स्लो बढ़ता है ये, कोई तेज नहीं बढ़ता। इसमें अगर थोड़े बहुत बल भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ये इससे कोई पेपर थोड़ी ना गुजरना होता है, पेपर तो हॉट रोलर से गुजरता है, वो उस पर ऑयल फेंकता है बस, उससे कोई मसला नहीं है। बस ये कि ये घूम के हीट रोलर पे नहीं चिपकना चाहिए, उससे क्या होगा कि उससे जैमिंग होती है। ये लगा दें ऐसे, ये आपने कवर बन गया। ये लगा के ये बस स्क्रू लगाए और चलाना शुरू कर दे बस।